हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम तक राजस्थान DRT चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं राजस्थान के लाइव मौसम अपडेट के बारे में कि वर्तमान में राजस्थान के किन किन इलाकों में बारिश की गतियाँ जारी हैं और आज रात राजस्थान के किन किन इलाकों में बारिश की गतियाँ होने वाली हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वर्तमान में देखा जाए तो एक सर्कुलेशन राजस्थान के उत्तरी भागों के आसपास बना हुआ है। इसी के प्रभाव से आज राजस्थान के कई इलाकों में, विशेषतः देखा जाए तो जयपुर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग से होते हुए बीकानेर संभाग के उत्तरी पूर्वी इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की गतियां देखने को मिलेगी। कई इलाकों में खंड बारिश की गतियां जोधपुर संभाग के इलाकों में भी संभावित हैं। वर्तमान में देखा जाए तो उत्तरी राजस्थान से शुरुआत करें तो किन किन इलाकों में बारिश की गतियां जारी हैं। श्रीगंगानगर के आसपास के इलाकों में वर्तमान में कई इलाकों में बारिश की गतियां देखने को मिल रही हैं। सादुलसर से लगाकर सांगरिया, हनुमानगढ़, पदमपुर, पीलीबंगा के आसपास से लगाकर कई इलाकों में मध्यम से तेज तो कई इलाकों में सुबह से इन क्षेत्रों में बारिश की गतियां देखने को मिली। एलनाबाद, पीलीबंगा से लगाकर सूरतगढ़, रावतसर, नोहर, भादरा, पल्लू, राजेश्वर के आसपास कई इलाकों में मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में खंड बारिश की गतियां देखने को मिली। वर्तमान में देखा जाए तो इन संपूर्ण क्षेत्र में आज रात बारिश की गतियां और बढ़ सकती हैं। बीकानेर के लूनसर से लगाकर सतासर, महाजन के आसपास के इलाकों से लगाकर देवला, श्री डूंगरगढ़, गोसाईसर, बीकानेर शहर के आसपास कई इलाकों में खंड बारिश की गतियां बादलों से देखने को मिलेगी। दैनोक, नोखा, सिन्हासर से लगाकर शाकुशू के आसपास देखा जाए तो इन संपूर्ण क्षेत्र में मध्यम से तेज कई इलाकों में खंड बारिश की गतियां संभावित हैं। आने वाले 24 घंटों के बाद इन क्षेत्रों में बारिश की गतियों में हल्की कमी नजर आ सकती है। शुरू, झुंझुनू, राजगढ़, तारानगर, मलजिस्तर, झुंझुनू के आसपास लगाकर पिलानी, लोहारू, खेतरी, महेंद्रगढ़, नारनौल के आसपास भी कई इलाकों में मध्यम तेज तो कई इलाकों में खंड बारिश की गतियां आज संभावित हैं। बाकी बात करें लोसल, रामगढ़ से लगाकर सोमो, बगरू, सांबर से आज लगाकर दुदू के आसपास कई इलाकों में खंड बारिश की गतियां तो कई इलाकों में फागी, किशनगढ़ के आसपास भी बारिश की गतियां संभावित हैं। बाकी बात करें तो पीसागंज से लगाकर अजमेर के आसपास, निसराबाद के इलाकों में हल्की खंड बारिश की गतियां संभावित हैं। भीलवाड़ा के आसपास गुलापुरा, शाहपुरा से लगाकर आसीद, भीलवाड़ा के शहर के आसपास कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की गतियां संभावित हैं। हो सकता है कई कई इलाकों में वर्तमान में खंड बारिश की गतियां जारी हैं। राजसमंद, फतेहनगर, चित्तौड़गढ़ से लगाकर संगली, बिजोलिया, रावतबाटा के आसपास, कोटा के कई इलाकों में और झालावाड़ के कई इलाकों में भी बारिश की गतियां देखने को मिल रही हैं। शाम आते होते इन क्षेत्रों में कहीं कहीं खंड बारिश की गतियां और बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। अलवर, विराटनगर से लगाकर कोटपूतली कई इलाकों में, गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़, नंदभई, डींग, कामन के आसपास मध्यम तेज तो कई इलाकों में भारी बारिश की गतियां संभावित हैं। बाकी बात करें पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, श्रीमोहनगढ़, रामगढ़, पोखरण के आसपास आज मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा। उंडू, पोखरण के मध्य कई इलाकों में हल्के बादल नजर आ सकते हैं। बाकी बात करें तो बाड़मेर के संपूर्ण इलाकों में आज मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा। जालौर के कई सेक्टर इलाकों में हल्की खंड बारिश की गतियां, सिवाना, मुकलसर के आसपास लगाकर कई इलाकों में देखने को जरूर देखने को मिलेगी। पाली के अरावली क्षेत्रों में आज हल्की बारिश की गतियां कई इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के कई इलाकों में भी आज खंड बारिश की गतियां संभावित हैं। कोई विशेष बारिश की गतियां आज इन क्षेत्रों में संभावित नहीं है। आने वाले 24 घंटों के बाद राजस्थान के पूर्वी इलाकों में बारिश की गतियां संभावित रहेगी। 23 मार्च से एक बार फिर राजस्थान के कई इलाकों में आने वाले WD के प्रभाव से मध्यम तेज तो कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतियां देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों, मौसम तक राजस्थान DRT चैनल पर अब के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।